हाय गाइस, आज जो बताना है आरबीएल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग से क्रेडिट कार्ड का ईएमआई कैसे करना, आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। क्रेडिट कार्ड आज यूज करने के बाद आप अमाउंट को ईएमआई करना चाह रहे तो कैसे आप करना, आप खुद कर सकते इंटरनेट बैंकिंग से, आपको पूरा वीडियो में आपको बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टेक टिप विश्वजीत। आरबीएल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग से ईएमआई आप खुद कर सकते, कैसे करना अब देखिए, वीडियो शुरू करो। गाइस, लैपटॉप पे आ गया। लैपटॉप पे आने के बाद आरबीएल बैंक का जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करने के बाद आप ईएमआई भी कर सकते, वो पूरा लाइव बताएंगे ईएमआई कैसे क्रिएट करते, आप खुद कर सकते। आप कस्टमर केयर से बात भी नहीं करना पड़ता, बैंक को भी जाके नहीं करना पड़ता, आप खुद कर सकते। आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड ईएमआई ऑनलाइन आप कर सकते, आपको बताएंगे। गूगल कॉम में आरबीएल बैंक इंटरनेट बैंकिंग लिख लीजिए, आरबीएल बैंक इंटरनेट बैंकिंग सर्च करिए। करने के बाद यहाँ पे देखिए www.rblbank.com बोल के ये साइट आ गए। आरबीएल बैंक का जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे आ जाते। आने के बाद आरबीएल बैंक बोल के लिखे से आ रहे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद लॉगिन करना पड़ता। आपका इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर नहीं करे तो आप रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर करने के बाद ही आप लॉगिन कर सकते। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर करे से मैं लॉगिन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद पर्सनल बैंकिंग मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। करने के बाद ये पेज पे आ जाते। आने के बाद आप यूजर आईडी यहाँ पे डाल दीजिए, पेज के यूजर आईडी में डाल दिए। डालने के बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपका फोटो लगे से यहाँ पे बता देता, आप यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, ऐसे पासवर्ड डाल दिए। डालने के बाद लॉगिन, आरबीएल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए क्रेडिट टू ईएमआई बोल के लिखे से आ रहे, आपको जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करे क्रेडिट कार्ड का ईएमआई करना है। ऐसे यहाँ पे देखिए आपका कार्ड नंबर देख लीजिए, जो कार्ड में आप ईएमआई कर रहे कौन सा कार्ड का ईएमआई करते, यहाँ पे कार्ड सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे देखिए आपका कार्ड भी यहाँ पे बता देता, आपका जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे बता देता। यहाँ पे सब पूरा चेक कर लीजिए एक बार। चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू ईएमआई बोल के लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। गाइस देखिए पेज पे आ जाती है। पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड नंबर बोल के लिखे से आ रहा, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट बोल के आ रहे। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपका सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे आपका कितना क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे बता देता, आपका जो क्रेडिट कार्ड का ईएमआई करना है यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कार्ड नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कार्ड नंबर आ जाता। आने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू बोल के लिखे से कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद नीचे देखिए आपका जो जो ईएमआई आपका कार्ड में ऑफर है यहाँ पे पूरा दे दे रहे। अब जो अमाउंट यूज करे से आपका क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट यूज करे से यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको दे दे रहे। यहाँ पे देखिए पूरा ईएमआई बोल के लिखे से ये पूरा आप ईएमआई कर सकते, आप खुद कर सकते। यहाँ पे देखिए गाइस, देखिए यहाँ पे 16,965 रुपए यूज करे से क्रेडिट कार्ड से ये ईएमआई करके आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए अमाउंट बता देता, उससे बाजू में ईएमआई बोल के लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट आ जाता, मेरा जितना यूज करे से अमाउंट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कितना महीने के लिए आप ईएमआई कर रहे वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता, यहाँ पे सिलेक्ट बोल के लिखे से आ रहे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। गाइस देखिए यहाँ पे 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 18 महीना, ये पूरा आप कर सकते। 24 महीने के लिए भी आप कर सकते, ये पूरा मेरा ऑफर है। गाइस देखिए यहाँ पे 3 महीने के लिए मैं सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए टोटल इंटरेस्ट बोल के लिखे से आ रहे, यहाँ पे देखिए 1,102.93 रुपए, जो 16,965 रुपए में ईएमआई कर रहे उसके लिए मेरा एक्स्ट्रा चार्जेस इतना लग जा रहे। उससे बाद यहाँ पे नीचे देखिए प्रोसेसिंग फीस बोल के है, आपको प्रोसेसिंग फीस लग रहे, ये आपको एक ही बार लगता। हर महीने को आपका जो ईएमआई भरना पड़ता, यहाँ पे देखिए ईएमआई अकाउंट बोल के आ रहे, यहाँ पे देखिए 6,022.64 रुपए को ये अमाउंट हर महीने को आपको पे करना पड़ता। ये 3 मंथ के लिए है, आपको 6 महीने के लिए भी आप चेक कर सकते। यहाँ पे देखिए 6 महीने का सिलेक्ट करिए,
छः महीने का सिलेक्ट करे तो यहाँ पे देखिए अमाउंट बढ़ गया, आपका 1,866.73 आ गया, ये आपको एक्स्ट्रा लग रहा। उससे बाद परसेंट फीस क्या होगा, 399 रुपीज हो गया, परसेंट फीस 399 रुपीज आपको ये लग जा रहे। आपको जो EMI अकाउंट है, आपको जो हर महीना आपको भरना पड़ता, यहाँ पे अमाउंट कम हो गया। यहाँ पे देखिए 3,138.61 आपको हर महीने आपको पे करना पड़ता। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेंगे, 6 महीने के लिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये पूरा एक बार चेक कर लीजिए। पूरा चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए बुक EMI बोल के लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। गाइस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका पूरा कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे मिल जा रहे। यहाँ पे ऊपर ही देखिए सबसे ऊपर कार्ड नंबर आपका आ जा रहे, आप कब EMI कर रहे उसका डेट आ जा रहे, आपका जो EMI कर रहे कितना बैलेंस को आप EMI कर रहे वो भी यहाँ पे आ जा रहे। उसके बाद EMI अकाउंट कितना आपको हर महीना भरना पड़ता वो भी आ जा रहे। हर चीज यहाँ पे आ जा रही। यहाँ पे आप 6 महीने के लिए कर रहे यहाँ पे आ जा रहे। उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी कितना लग रहे वो भी यहाँ पे आ जा रहे। परसेंटेज फीस भी कितना लग रहे वो भी यहाँ पे आ जा रहे। ये पूरा आप एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद एकदम नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए सेंड OTP SMS, यहाँ पे कंफर्म ट्रांजेक्शन एंड सेंड OTP बोल के लिखे सारे यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आता, OTP यहाँ पे डाल दीजिए। यहीं से पूरा चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद OTP डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पे नीचे सबमिट बोल के लिखे से यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यही सबका जो EMI करना था EMI आपका कंप्लीट हो गया। आपका जो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट को EMI में डालना था EMI हो गया। तो यहाँ पे ऐसे करके आप अमाउंट को EMI कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। आपका इंटरनेट बैंकिंग से आपको बताया, वो भी लाइव बताया। आपको जो EMAIL ID दिए से EMAIL ID पे 3 डेज में आपके पास ईमेल आ जाता आपका EMI हो गया बोल के, कंप्लीट हो गया बोल के। और एक बात है, जब आप EMI करते आपका क्रेडिट कार्ड में माइनस पे नहीं रहना, आपका क्रेडिट कार्ड चालू रहना। क्रेडिट कार्ड माइनस पे रहे तो क्रेडिट कार्ड एक्टिव नहीं रहता। क्रेडिट कार्ड एक्टिव रहना, आपका लिमिट भी रहना, लिमिट पूरा ख़त्म नहीं होना। आपका लिमिट रहे तो ही आपका EMI सक्सेसफुल होता, नहीं तो नहीं होता। अब जो 3 डेज में आपके पास ईमेल आते बोल रहे कैंसिल हो जाता। आपका EMI सक्सेसफुल होना बोलो तो आपका क्रेडिट कार्ड में आपका बैलेंस रहना, आपका जो लिमिट है पूरा ख़त्म नहीं होना। आपका क्रेडिट कार्ड में बैलेंस रहे तो ही आप EMI कर सकते। तो पूरा काम मैं कंप्लीट कर लिए, 3 डेज में मेरे पास ईमेल आ जाता। और एक बात है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आ जाता आपका EMI हो गया बोल के, आपका EMI सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ बोल के। आपका कैंसिल हुआ तो भी आपका EMI आपको पास मैसेज आ जाता, वो भी ईमेल पे भी आपको बता देते। तो पूरा प्रोसीजर आपको बता दिए कैसे आप EMI कंप्लीट कर सकते। पूरा वीडियो में आपको लाइव बताया, एक के बाद एक स्टेप भी बताया कैसे आप कंप्लीट कर सकते RBL बैंक का क्रेडिट कार्ड EMI कैसे कंप्लीट कर सकते। गाइस पूरा वीडियो में आपको बताया RBL बैंक का इंटरनेट बैंकिंग से कैसे आप क्रेडिट कार्ड का EMI कर सकते, आपको पूरा वीडियो में बताया, एक का बाद एक स्टेप बताया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी ऑल प्रेस करिए। वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाते। यही जानकारी देना था, शुक्रिया, बाय।